नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है और आज स्पेशल रिपोर्ट में बात 2024 को लेकर सबसे बड़ी पॉलिटिकल भविष्यवाणी की। आज दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर नागालैंड से नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान कर दिया। वही ऐलान जिसके दो मतलब है। पहला कि ये ऐसा मुमकिन है कि संपूर्ण विपक्ष अब कांग्रेस की अगुवाई में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। दूसरा ये कि 2024 में बीजेपी की सीटों का ग्राफ 100 नंबर के अंदर सिमट जाएगा। मोदी सरकार की एक्सपायरी डेट के ऐलान की टाइमिंग को अगर आप टाइमलाइन पर रखकर देखें तो 2024 को लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली है। इन 2024 द अलायंस गवर्नमेंट विल कम इन सेंटर, कांग्रेस विल लीड। हम करेंगे, हम जीतेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो डरते नहीं है। ठीक से सोच करके चलिएगा, हम इंतजार करते हैं। अगर मेरा की बहुआ को अगर मान लीजिएगा, कई युवाओं के पीछे जाएंगे, जान लीजिए। हमारा मेन मकसद है 2024 में भाजपा को भगाना। तो आइए आज सब लोग मिलके, 130 करोड़ भारत के लोग मिलके प्रण लें कि हम सब लोग मिलके आने वाले समय में भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाएंगे। कि अगर हम मोहब्बत से खड़े होंगे, प्यार से बात रखेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। और उनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को हम उनके दिलों से निकालेंगे। आप 24 का नतीजा देखिएगा राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। 2024 की जंग के लिए बिसात बिछ गई है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, कांग्रेस को लेकर तमाम विपक्षी दलों में मंथन जारी है। मंथन ये कि मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाना है या नहीं। मंथन ये कि मोदी को 2024 में रोकने के लिए लोकल पॉलिटिक्स को भूलकर कांग्रेस के साथ जाना है या नहीं। मंथन ये कि सभी क्षेत्रीय क्षत्रपों को कांग्रेस की अगुवाई में यानी राहुल के चेहरे के साथ जाकर मोदी से सीधा मुकाबला करना चाहिए या फिर अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए। एक वाक्य में समझें तो 24 में मोदी को रोकने के लिए संपूर्ण विपक्ष एक छाते के नीचे एक टीम बनकर मुकाबला करने की रणनीति पर होमवर्क करने में जुटा है। वजह है 2024 के परिणाम देश की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। ऐसे में सभी दलों के दिमाग में दिल्ली की कुर्सी घूम रही है। अभी से ही दलों ने जोर लगा के हाइशा का नारा बुलंद कर दिया। एक तरफ एनडीए का चेहरा बनकर मैदान में ताल ठोक रहे नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में टीम यूपी है, वही टीम जिसमें शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, स्टालिन और येचुरी जैसे तमाम धुरंधर खिलाड़ी हैं। जबकि इस खेल में अभी एक टीम ऐसी भी दांव लगाने की सोच रही है जो मैदान में खेल रही टीमों से इतर खुद अपनी टीम बनाकर 2024 की जंग जीतना चाहती है, यानी ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल। ये वो क्षेत्रीय छत्रप हैं जिन्हें लेकर थर्ड फ्रंट की थ्योरी चर्चा में है। वही नवीन पटनायक, मायावती, अखिलेश यादव, वाईएसआर रेड्डी और सुखबीर बादल जैसे तमाम खिलाड़ी हैं जो अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में हैं। सरल शब्दों में समझे तो ये खिलाड़ी अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। 2024 के चुनाव के दौरान जैसी सिचुएशन बनेगी, जिस टीम का पलड़ा भारी होगा उस टीम को बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। नागालैंड की धरती से कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि 2024 में मोदी सरकार की विदाई पक्की है और कांग्रेस की अगुवाई में नई सरकार बननी तय है। इन 2024 द अलायंस गवर्नमेंट विल कम इन सेंटर, कांग्रेस विल लीड। वी आर टॉकिंग विद अदर पार्टीज बिकॉज अदरवाइज द डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन विल गो। Therefore, with every party, now and then, we are calling, we are talking, we are sharing our views, how to win 2020.
खड़गे के बयान को समझें तो चार बड़े मतलब निकलते हैं। पहला, 2024 में बीजेपी की हार पक्की है। दूसरा, विपक्षी दलों की अगुवाई कांग्रेस करेगी। तीसरा, कांग्रेस अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। चौथा, 2024 का मुकाबला मोदी बनाम ऑल होगा। आज तक ब्यूरो। 2024 का चुनाव किस करवट बैठेगा, सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से सीटों की कमेंट्री करीब करीब हो चुकी है। बीजेपी ने 350 प्लस पर एक्शन शुरू किया है तो कांग्रेस ने बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेट देने का ऐलान कर दिया है। 100 सीटों वाला दावा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं। तो क्या 2024 में ऐसे समीकरण बनेंगे जो नरेंद्र मोदी को सत्ता से दूर कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी ऐसी घबराई हुई है क्योंकि जब वो मुद्दे खुलकर सामने आ रहे हैं तो वो इंटरनेशनल साजिश की बात करते हैं। ये देश 2024 में उनका जो रास है वो भी खत्म कर दे। क्या भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में मील का पत्थर साबित होगी? मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्या विपक्षी दलों में राहुल ये भरोसा पैदा करने में कामयाब रहे कि कांग्रेस के बिना मोदी को रोकना असंभव नहीं नामुमकिन है? इंक्वायरी की बात नहीं हुई, डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल का मुकाबला सीधे सीधे मोदी के जबरदस्त सियासी करिश्मे और शाह की चुनावी मशीनरी से है। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। मतलब ये कि राहुल को बड़े और कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। 2024 में मोदी को रोकने के लिए राहुल गांधी को सभी क्षेत्रीय क्षत्रपों को साधना होगा। इस मिशन में कांग्रेस के सामने चार बड़ी अड़चने हैं। पहली अड़चन पश्चिम बंगाल, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं और बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी विपक्ष में है, यानी राज्य में कांग्रेस की सीधी लड़ाई ममता बनर्जी से है। अगर टीएमसी और कांग्रेस पहले की तरह दुश्मनी छोड़कर हाथ मिला ले तो 50% से ज्यादा वोट शेयर होगा। लेकिन बंगाल के सियासी समीकरण ऐसे हैं कि दोनों का मेल बहुत मुश्किल है, जो विपक्षी एकता में बड़ा रोड़ा है। दूसरी अड़चन तेलंगाना में कांग्रेस बनाम भारत राष्ट्र समिति यानी चंद्रशेखर राव के बीच सियासी अदावत। लोकसभा चुनाव से पहले यहां विधानसभा चुनाव होने हैं और दोनों कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ये है कि राजस्थान में पायलट बनाम गहलोत की जंग करीब करीब सुलझ गई है, जबकि छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी के अंदर नेताओं के बीच तलवारें खींची हुई हैं। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान से पार्टी की एकजुटता पर असर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी अब तक एकजुट नहीं हो पाई है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज के खिलाफ पार्टी के कई बड़े नेता लामबंद हैं। ये तीनों हिंदी बेल्ट के राज्य हैं और इसी साल यहां चुनाव होने हैं। हालांकि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को लगता है कि 2024 को लेकर जनता पहले ही अपना फैसला लॉक कर चुकी है। कुल है 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा। देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखेगा राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बहुत लोगों को लग सकता है कि ऐसा कैसे होगा, 2024 को लेकर बीजेपी की प्लानिंग क्या है? तो इसका जवाब है 2024 को लेकर बीजेपी के होमवर्क की डेटा शीट। बीजेपी ने लक्ष्य 350 की रणनीति पर एक्शन शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनावों से 1.5 साल पहले ही अपने लिए मुश्किल 160 सीटों की पहचान कर ली है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बावजूद 2024 के मुश्किल सीटों का टास्क 144 से बढ़ाकर 160 कर दिया। बीजेपी ने उसी तर्ज पर 2024 में 350 से ज्यादा सीटों को हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिस तरह गुजरात में रखा था।
बीजेपी का पूरा फोकस उन 160 मुश्किल सीटों पर है जिसे जीतने के लिए 160 विस्तारकों को जमीन में उतारा जा चुका है। बीजेपी की तैयारी को आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले मुश्किल सीटों की संख्या 144 थी जिसे बढ़ाकर 160 कर दी गई, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने एनडीए से किनारा कर लिया है। नीतीश के विपक्षी खेमे में जाने की वजह से बीजेपी को बिहार में मुश्किल सीटों को 4 से बढ़ाकर 10 करनी पड़ी। ये 10 सीटें हैं नवादा, वैशाली, वाल्मीकि नगर, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मुंगेर, झंझापुर, गया और पूर्णिया। इसी तरह महाराष्ट्र में पार्टी का समीकरण थोड़ा गड़बड़ाया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद महाअघाड़ी में फूट पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीनों की एकता बनी हुई है। यही वजह है कि 10 नई सीटों को मुश्किल सीटों की लिस्ट में डाला गया है। जिन सीटों को मुश्किल की लिस्ट में रखा गया है उसमें पंजाब में 1, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 16, मध्य प्रदेश में 1, बिहार में 10, छत्तीसगढ़ में 2, झारखंड में 2, महाराष्ट्र में 16, बंगाल में 24, केरल में 18, मध्य प्रदेश में 24, कर्नाटक में 2, तमिलनाडु में 5, उड़ीसा में 13 और तेलंगाना की 13 सीटें शामिल हैं। अगर विपक्ष का मोदी रोको प्लान तैयार है तो बीजेपी ने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेरने की रणनीति को जमीन पर उतार दिया है। कांग्रेस के वादे और बीजेपी के दावों में कितना दम है इसी साल होने वाले 9 राज्यों के चुनावी नतीजों से पता चल जाएगा, यानी कौन कितने पानी में है। आज तक ब्यूरो। आपने 2024 के लिए विपक्ष का प्लान 100 देखा, तो अब आइए आपको उत्तर प्रदेश की ये खबर बताते हैं जहां पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के गाने की वजह से संग्राम छिड़ गया है। दरअसल कानपुर अग्निकांड पर यूपी में काबा फेम वाली जो नेहा सिंह राठौर है उन्होंने एक गाना बनाया और वीडियो 1 मिनट 9 सेकंड का है, खूब वायरल हो रहा है। अब उन्हें नोटिस थमा दिया है यूपी पुलिस ने और इस वीडियो पर उनसे 7 सवाल पूछे जा रहे हैं। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बार, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार, काबा यूपी में काबा, और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज, बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज, कानपुर के हाथ में ले आई राम राज, बुलडोजर से राउंडत दीक्षित के घर वाय आज, अरे ही बुलडोजर पे बाबा के नाज बा, काबा यूपी में काबा, कलेक्टर उनके बाज बासक कलो कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले पे लगा मनमानी के रिवाज, काबा यूपी में काबा। कानपुर देहात कांड में बुलडोजर के एक्शन पर जिंदा जल कर मरी माँ बेटी पर लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर ने गाना बनाया तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सुपर कॉप की तरह एक्शन में आ गई। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बासठ कलो कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले पे लगा मनमानी के रिवाज, काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ा यूपुक वादा गुर्बत के इलाज बा, गरीबन के मड़ा यूपुक वादा गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा, काबा यूपी में काबा। रॉकेट की रफ्तार से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ नोटिस जारी हुआ। इतनी सक्रियता दिखाई है उत्तर प्रदेश की पुलिस की तो दाद देनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि नेहा के इस गीत से समाज का माहौल बिगड़ रहा है, समाज में वैमनस्य और भेदभाव की स्थिति पैदा हुई। अधिकारी भैले पे लगा मनमानी के रिवाज बा, काबा यूपी में काबा। लेकिन सवाल इसी कानपुर पुलिस से, ये पुलिस उस वक्त कहाँ थी जब अपनी झोपड़ी को बुलडोजर से उजड़ता देख कानपुर देहात के मड़ौली गांव में दीक्षित परिवार की माँ बेटी ने खुद को जिंदा जला दिया। आज कानपुर पुलिस एक गाने पर नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजती है। तब ये पुलिस कहाँ थी जब दीक्षित परिवार अपनी झोपड़ी बचाने के लिए डीएम नेहा जैन के दफ्तर के चक्कर काट रहा था? और तब ये कानपुर की पुलिस कहाँ थी जब दीक्षित परिवार डीएम एडीएम पर संगीन आरोप लगा रहा था
इंसाफ मांग रहा था, तब कितने नोटिस पुलिस प्रशासन और बुलडोजर लेकर पहुंचने वाले अधिकारियों को भेजे गए थे। इसमें जो गांव के प्रभावशाली लोग अशोक दीक्षित का परिवार और ये 10 लोग और लोग मतलब मिल गए 10 लोग, इन्हीं के प्रभाव में जो है प्रशासन लेखपाल से लगा के DM तक प्रभाव में थे। उन्हीं बदौलत जो है हमारे पीछे दो महीने से पड़े रहे। हम DM के यहाँ भी गए, ADM DM किसी के माइक कुछ सुनी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चाहता हूँ DM पे सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये उनके संज्ञान में ही हुआ है और गांव के जो बाहुबली हैं उन पे भी मतलब बहुत से जो सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो करें। आपने क्या मांगे फिलहाल रखी, कल उप मुख्यमंत्री ने भी आपसे बात की थी, क्या मांग आपने रखी और आपको क्या आश्वासन मिला? जी मैंने 1-1 करोड़ रुपए दोनों भाइयों को और 1-1 सरकारी नौकरी और अलग अलग आवास सरकारी और 5-5 बीघे पट्टे का और सरकारी आवास का और सुरक्षा का ये वादा किया। उन्होंने सुरक्षा तो मुझे दी है और बहुत सारी प्रक्रिया जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाएगी। सोचिए जिन कलेक्टर नेहा जैन के खिलाफ पीड़ित परिवार चीख चीख कर गवाही देता रहा, जिन कलेक्टर नेहा जैन पर संगीन आरोप लगाता रहा, जिन DM के खिलाफ सूबे के एक मंत्री तक ने आरोप लगाए, सवाल ये कि उन कलेक्टर नेहा जैन को कानपुर पुलिस ने कितने नोटिस भेजे हैं? बाबा के दरबार बार धहत घर बार बार, माई बेटी के आग में झोंकते यूपी सरकार, बाबा यूपी में काबा और बाबा के DM तो बड़ी रंगबाज, बाबा के DM तो बड़ी रंगबाज, कानपुर के हाथ में ले आई राम राज, बुलडोजर से राउंडक दीक्षित के घर वाय आज, अरे ही बुलडोजर पे बाबा के नाज बा, काबा यूपी में काबा। जैसे ही नेहा सिंह राठौर ने अपने गाने में कानपुर कांड पर DM और अधिकारियों को घेरा तो उत्तर प्रदेश पुलिस को ना जाने कौन सी मिर्ची लग गई। उत्तर प्रदेश में अभी किसकी गवर्नमेंट है? BJP की है। सवाल मैं किससे पूछूंगी? सपा से पूछूंगी? नहीं ना, सवाल उसी से पूछा जाएगा जो सत्ता में होगा। अब आपको लग जाती है मिर्ची तो मैं क्या करूं? हम आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर पर कानपुर देहात की अकबरपुर पुलिस ने नोटिस भेजकर 7 सवाल पूछे, जवाब 3 दिन के भीतर मांगा। पूछा है क्या वीडियो में आप खुद हैं या नहीं है? वीडियो में अगर आप हैं तो स्पष्ट करें क्या ये वीडियो आपकी तरफ से YouTube चैनल नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा Season 2 शीर्षक से और ट्विटर अकाउंट नेहा फोक सिंगर पर खुद के ईमेल ID से अपलोड किया गया या नहीं? क्या नेहा सिंह राठौर चैनल और ट्विटर अकाउंट नेहा फोक सिंगर आपके हैं या नहीं? अगर हैं तो क्या आपकी तरफ से इनका उपयोग किया जाता है या फिर नहीं? वीडियो में प्रयोग किए गए गीत के शब्द क्या आपकी तरफ से खुद लिखे गए हैं या फिर नहीं? अगर ये गीत आपकी तरफ से लिखे गए आप इसे प्रमाणित करती हैं या नहीं? अगर ये गीत किसी दूसरे की तरफ से लिखा गया तो क्या आपकी तरफ से लेखक से उसकी पुष्टि सत्यापित करवाई गई या फिर नहीं? उक्त गीत से उत्पन्न भावार्थ से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से क्या आप भिज्ञ हैं अथवा नहीं? एक वीडियो सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर नामक महिला द्वारा अपलोड किया गया है जिससे समाज में वैमनस्यता एवं भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इन शिकायतों के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर द्वारा उक्त महिला को 160 CRPC का नोटिस तामील कराया गया है। नोटिस का जवाब मिलने पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। नेहा सिंह राठौर कह रही कि जो सवाल पुलिस पूछ रही है वो काफी ट्रिकी है, उनका हाँ में जवाब देना मुश्किल है, वो अपने वकील से पूछकर इसका जवाब देंगी। जी ये नोटिस मुझे कल रात 8 बजे मिली है और ये मामला ये हुआ है कि अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कानपुर देहात में एक कांड हुआ है जिसमें बुलडोजर चला दिया जाता है उनके घर पे और माँ बेटी जिंदा जल जाती हैं। तो मैं एक लोक गायिका के रूप में जो है मैंने हमेशा से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का कोशिश किया है। मैं लगातार लोकगीत के माध्यम से सरकारों से सवाल पूछती रही हूं, तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मैंने यूपी में काबा करके सवाल पूछा। उससे पहले भी यूपी में इलेक्शन था उस टाइम पे भी मैंने सवाल पूछे थे जिसका जवाब अब तक वो लोग दे नहीं पाए। ये क्या जवाब दे पाएंगे? अभी भी जवाब तो दे नहीं पाते, ये नोटिस दे देते हैं। तो आपने 7 सवालों वाले यूपी पुलिस के नोटिस पर नेहा सिंह अब ये कह रहे हैं कि दाद देनी पड़ेगी भाई यूपी पुलिस की कि इतनी सक्रियता उन्होंने नोटिस देने में उन्हें भेजी। इसी के साथ वो ये भी कह रही हैं कि उन्होंने गाना बनाया है जिसको मिर्ची लग रही है वो समझे। इधर वो ये बार बार कहती है कि मैं सत्ता पक्ष से ही तो सवाल करूंगी,
इस पर अखिलेश यादव उनके साथ आ खड़े हुए, कह रहे हैं ये नोटिस वाली सरकार है। नेहा सिंह राठौर का ये वीडियो 1 मिनट 9 सेकंड का है, जिसमें उन्होंने बुलडोजर नीत पर यूपी सरकार को घेरा। ऐसे में अखिलेश यादव नेहा सिंह राठौर का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने भी काबा के अंदाज में यूपी सरकार पर प्रहार किया। अखिलेश यादव ने लिखा है, यूपी में काबा, यूपी में झूठे केसों की बहार बा, यूपी में गरीब किसान बेहाल बा, उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों पर प्रहार बा, यूपी में कारोबार का बंटा धार बा, यूपी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बा, यूपी में बिन काम के बस प्रचार बा, यूपी में अगले चुनाव का इंतजार बा, यूपी में अगली बार भाजपा बाहर बा। यहाँ सिंह राठौर को नोटिस भेजी गई है, सरकार है नेहा सिंह राठौर के साथ नोटिस सस्पेंड किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, किसी को भी कानून से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं। नेहा सिंह राठौर के नए गीत को लेकर अकबरपुर थाने में एक शिकायत दी गई है। पुलिस ने नेहा सिंह राठौर को 160 CRPC का नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा, लेकिन ये शिकायत किसने की इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। सबसे जो बुरा मुझे लगा है उसमें ये लगा है कि मुझे क्रिमिनल टाइप क्यों मुझे देखा जा रहा है, मैंने कौन सा क्राइम किया है। नेहा सिंह ने जिस कानपुर कांड पर अपने गाने में सवाल उठाए उसमें अब तक 39 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है, जिसमें एक SDM, 4 राजस्व अधिकारी, 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले शामिल हैं। लेकिन तमाम संगीन आरोपों के बावजूद DM नेहा जैन अपने पद पर जस के तस बनी हुई हैं। इसी उत्तर प्रदेश में जहां नेहा सिंह राठौर के इस 1 मिनट 9 सेकंड वाले वीडियो पर, गाने पर बवाल छिड़ा है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने आज बजट पेश किया। बजट में उन्होंने बहुत सारे ऐलान भी किए हैं, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर शुरू हो गई कि अखिलेश यादव काली शेरवानी पहनकर आए हैं, जबकि अपने भगवा लिबास में योगी थे। क्यों पहना है अखिलेश ने, ये इस रिपोर्ट में देखिए। क्या यूपी में भगवा बनाम शेरवानी चल रहा है? क्या अखिलेश और उनके विधायकों ने CM योगी को चिढ़ाने के लिए शेरवानी पहनी? क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आजम खान के समर्थन में शेरवानी पहनी? आज यूपी में अखिलेश यादव और उनके नेताओं की शेरवानी चर्चा का जबरदस्त विषय बनी हुई है। लाल टोपी, काली शेरवानी और सफेद पायजामे में अखिलेश यादव बजट के दिन यूपी विधानसभा पहुंचे तो हर कोई यही कहने लगा, नेताजी शेरवानी में है, जरूर कोई बात है। अकेले अखिलेश ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कई और नेता भी शेरवानी में नजर आते हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता जाहिद बेग तो साइकिल पर क्रीम कलर की शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचे। सूत्रों की माने तो अखिलेश और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने पूर्व मंत्री आजम खान के समर्थन में शेरवानी पहनकर आने का फैसला किया। लेकिन जब अखिलेश यादव से शेरवानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। ये काली शेरवानी का क्या चक्कर है? काली शेरवानी बहुत सारे लोग पहन के हैं, विपक्ष के पास कुछ है तो नहीं है, कपड़े अच्छे पहन के जा सकते हैं और ये विरोध नहीं है, ये कपड़े पहन के इसलिए जा रहे हैं कि कम से कम हम शरीफ लोगों को भी कुछ दे देंगे। अखिलेश भले ही कुछ कहे लेकिन काली शेरवानी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का पसंदीदा लिबास रहा है। करप्शन के मामले में आजम खान को सजा हो चुकी है, उनकी विधानसभा सदस्यता जा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आजम के प्रति समर्थन जताने के लिए समाजवादी पार्टी ने शेरवानी का सहारा लिया। अब शेरवानी पहनकर आए समाजवादी पार्टी के इन नेताओं के भी शेरवानी पर तर्क सुनिए। हमारा देश हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का एक प्रतीक है, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक गहवारा है। इस शेरवानी हमारे मूल की ट्रेडिशनल देश है। हमें भी खुशी थी कि आज किसान मजदूर को कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ आकर देखा तो मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने बोला कि देश को आजाद कराने में शेरवानी का महत्व था, इसलिए पहनी। कोई बोला हमारे मुल्क की ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो कोई बोला आज खुशी का दिन मानकर आए, लेकिन खुशी मिली नहीं। लेकिन यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने शेरवानी पर चुटकी जरूर ले ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना तो कर दिया कि संस्कारी हो गए समाजवादी पार्टी के लोग। कहते हैं सियासत में हर चीज के मायने होते हैं, चाहे वो लिबास ही क्यों ना हो। फिर टीम अखिलेश का इशारा शेरवानी से किधर है, समझने वाले समझ रहे हैं। हालांकि शेरवानी आजकल काफी ट्रेंड में है, शादियों में दूल्हे से लेकर
कई लोग शेरवानी पहनते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।